Hey guys, हमारी आज की रेसिपी है जो हर एक वेजिटेरियन का प्रेफरेंस होती है जब भी वो रेस्टोरेंट विजिट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ाई पनीर इन रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए अब देर किस बात की रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं पनीर क्यूब्स, ओनियन क्यूब्स, कैप्सिकम क्यूब्स, रफली चॉप टोमेटोज, रफली चॉप्ड ओनियंस, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, जिंजर जूलियंस एंड गार्लिक जूलियंस, ग्रीन चिलीज, तेज पत्ता, जीरा, खड़ी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाले के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके वीडियो चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमें पनीर क्यूब्स को मैरिनेट करना है। ये स्टेप जो है वो टोटली आप स्किप कर सकते हैं, बट मुझे पसंद है मैरिनेटेड पनीर, तो यहाँ पे हम इसे 3 मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक, और हम इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज़ करेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मैरिनेटेड पनीर का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है क्योंकि पनीर में मसाला जो है वो चिपक जाता है, तो आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। यहाँ पे हम कढ़ाई में ले रहे हैं बटर, हमें यहाँ पे ऐड करने हैं अपने जिंजर एंड गार्लिक जूलियंस, थोड़ा सा कुक करना है, फिर हम ऐड करेंगे अपने ग्रीन चिलीज, हमें यहाँ पे ऐड करने हैं अपने ओनियन क्यूब्स और कैप्सिकम क्यूब्स, हमें इन सब चीजों को स्टर फ्राई करना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ओनियंस जो है वो ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, तो हमें इतना ही पकाना है, इससे ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम इस मिक्सचर को साइड करके रख देंगे। मैं अपने कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करती हूँ, तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अपने रफली चॉप्ड ओनियंस, हमें ओनियंस को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए हमारे ओनियंस जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं रफली चॉप टोमेटोज और थोड़ा सा नमक ताकि मिक्सचर थोड़ा जल्दी कुक हो जाए। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और हमें टोमेटो को तब तक पकाना है जब तक कि वो थोड़े मशी ना हो जाएं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर कुक हो गया है, तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और एक पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब तक कि मिक्सचर ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पे पनीर, मैरिनेटेड पनीर को फ्राई करेंगे। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा बटर लिया है, अब यहाँ पे मैं पनीर क्यूब्स ऐड करूँगी। ध्यान रहे बटर को अच्छे से गर्म कर लें ताकि जो है पनीर क्यूब्स जो है वो चिपके ना सरफेस से, अगर ये प्रॉपर हीट नहीं होगा तो चिपक सकते हैं। यहाँ पे हम पनीर को पलट के देख लेंगे, हमारे एक तरफ का सरफेस जो है वो थोड़ा फ्राई हो गया है, हम उसको पलट के दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे पनीर हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, अब हम इससे पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ मैं कंसिस्टेंसी के लिए। हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हींग, हींग ऑप्शनल है यहाँ पे, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, साबुत जीरा, खड़ी लाल मिर्च और तेज पत्ता। थोड़ी देर बाद हम ऐड कर रहे हैं अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हमें इसे 1 से 2 मिनट भुनना है, फिर हम ऐड करेंगे अपनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमें इसे मिक्स करना है
अब जो हमने पेस्ट प्रिपेयर किया था हम ग्रेवी के लिए उसको ऐड करेंगे। अब हमें इस मिक्सचर को कुक करना है। आप चाहें तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे मेरी ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है तो मैं कंसिस्टेंसी के लिए थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। हमें तब तक कुक करना है जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़े। देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा ऐड किया है कैश्यू का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने ओनियन और कैप्सिकम क्यूब्स। अब एक अच्छा मिक्स दे देंगे हम सारी चीजों को। हम ऐड कर रहे हैं नमक। मैं यहां ऐड कर रही हूं हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। हमें इन मसालों को ऐड करके एक अच्छा सा मिक्स देना है और लगभग 5 मिनट तक कुक करना है मिक्सचर को। हमारा मिक्सचर कुक हो गया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने फ्राइड पनीर। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं कढ़ाई मसाला। कढ़ाई मसाले की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप प्लीज जाके वीडियो चेक कर लें। और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और ये हो गई हमारी कढ़ाई पनीर रेडी टू सर्व। Love and support. You all have been commenting on the video of the poetry cookery hut from starting till now. So in today's video I'm going to announce our top 4 commenters. So the 4th top commenter are the 3 persons and they are Infinity Gamer, Megha Roy Sharma and Kapil Tiwari. Our 3rd top commenter is Ankit Gupta. Our 2nd top commenter is Monu and our 1st top commenter is Snehal Ranjan. Thank you guys, thank you for your constant support. So keep liking my videos. Newcomer, subscribe to my YouTube channel. Please guys, share my video and don't forget to comment. Okay, bye bye.